Most welcome all of you. You are watching my channel Flora Academy and I am Kel Batham. In this video, you are going to learn how to make question tags. We have few examples. So first, listen carefully. यदि आपके sentences affirmative हैं, सकारात्मक हैं, तो उनके जो question tags हैं, वो negative निकलते हैं. और यदि आपका सेंटेंसेस नेगेटिव है तो उनके क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव निकलते हैं, मतलब सकारात्मक निकलते हैं. इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे. जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि होता क्या ये कि मैंने आपको कोई भी सेंटेंस बोला, कोई बात कही, अपनी बात को मनवाने के लिए मैं आप पर ऐसी चीज़ बोलूँगा जिससे आपको दबाव बने. जैसे कि मैंने आपको वहाँ देखा था और साथ में बोल दिया, नहीं देखा था क्या, मैंने आपको वहाँ देखा था, ये मेरा सकारात्मक वाक्य हो गया. फिर बोलता हूँ पीछे, नहीं देखा था क्या, तो इस प्रकार से नहीं देखा था तो आप बोलेंगे ये सर नो, जो भी होगा वैसे बोलेंगे. अगर मैं आपसे कहूँ मैंने आपको वहाँ नहीं देखा, देखा था क्या, तो जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग वो आपका नेगेटिव निकलेगा, और अब सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव निकलेगा. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से हम सीख रहे हैं. जैसे आपको फर्स्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट नो ऑल द फैक्ट्स, उसे सभी फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है, उसे सभी तथ्यों के बारे में पता नहीं, ही डज नॉट नो ऑल द फैक्ट्स. तो ये आपका सेंटेंस देखें ऑलरेडी नेगेटिव है. तो नेगेटिव है, इसमें देखिए, ही डज नॉट नो ऑल द फैक्ट्स, उसे सभी तथ्यों के बारे में पता नहीं है. पता है क्या, हम ऐसा बोलेंगे, पता है क्या. तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है इसमें हम उसको बाहर निकालते हैं, इसकी जगह पर जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसकी जगह पर. तो ध्यान रखें, क्वेश्चन टैग निकालने के बाद पहले, सॉरी, यहाँ पर आप फर्स्ट कॉमा का यूज़ करेंगे. तो इसमें देखेंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है. इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी है डू डस, मतलब इसमें डस है, तो हम इसको डस में, डस को इसमें बाहर निकालेंगे. तो डस ही, तो हम क्या बोलेंगे, डस ही, जो भी व्यक्ति है उसके बारे में, डस ही, क्या जानता है क्या. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे. पर ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन टैग के जितने भी लेटर्स हैं ये सारे सारे स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, कोई भी आप कैपिटल लेटर में ना लिखें. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है. ऐसे ही सेकंड है आपका, अनिल वेंट टू आगरा यस्टरडे. अनिल कल आगरा गया, अनिल कल आगरा गया, नहीं गया क्या, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, इसलिए हम इसे नेगेटिव क्वेश्चन टैग में निकालेंगे. तो अनिल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अनिल यहाँ पे जो नाउन है, यहाँ पर हम अनिल को ही के रूप में यहाँ पे लिखेंगे और नाउन के रूप में. तो अनिल वेंट टू आगरा यस्टरडे, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आपका. पास्ट इंडेफिनिट के होने के कारण हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर यदि आपको पता है टेंसेस के बारे में तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. तो पास्ट में कॉमा फर्स्ट, डिड ही, तो अनिल नहीं करेंगे हम, डिड अनिल नहीं करेंगे यहाँ पर, डिड ही आपने क्या देखा इसमें, करेक्ट है या इसमें कुछ मिस्टेक की गई है. यदि आप इसको समझ पाए तो ये सेंटेंस आपका, जैसा आपको मैंने बताया था, आपका अफर्मेटिव है और हमारा जो क्वेश्चन टैग है नेगेटिव निकलता है. ऊपर नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव निकला, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव निकलता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिडेंट ही ऐसे हुआ. थर्ड है, ही सेंड्स मी अ ग्रीटिंग कार्ड, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, देर इज नो हेल्पिंग वर्ब, इसमें कोई भी किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो ध्यान रखेंगे ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग में ही जाएगा.
ही सेंड्स मी अ ग्रीटिंग कार्ड, वह मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजता है, नहीं भेजता है क्या? वह मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजता है, नहीं भेजता है क्या? तो हम क्या करेंगे, ये सिंगुलर ही, तो हम यहाँ पे डज का ही यूज करेंगे, डजंट, डजंट ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। नंबर फोर है प्लांट्स हैव हर्ट्स, प्लांट्स हैव हर्ट्स, प्लांट्स हर्ट होता है, दिल होता है। दिस इज ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस, सो वी हैव टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग। प्लांट्स हैव हर्ट्स, प्लांट्स में दिल होता है, नहीं होता है क्या? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैवंट कॉमा लगाएं यहाँ पे पहले, हैवंट, तो प्लांट्स हम यहाँ पे प्लांट्स नहीं लिखेंगे, तो प्लांट्स बहुत पौधों के बारे में बात चल रही है, तो प्लांट्स, तो हम यहाँ पे जब एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे तो दे का यूज करेंगे लास्ट में, इंटरोगेटिव साइन। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर आपका जो फिफ्थ है, दे हैव मेड अ काइट, उन्होंने एक काइट बनाई, ये पास्ट इंडेफिनिट का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का आपका सेंटेंस है, दे हैव मेड अ काइट, तो वेरी सिंपल, दिस इज ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस, सो यू हैव टू मेक क्वेश्चन टैग इन नेगेटिव कॉमा, हैवंट, हैवंट दे। नंबर सिक्स, द चिल्ड्रन विल प्ले, द चिल्ड्रन विल प्ले, बच्चे खेलेंगे, नहीं खेलेंगे क्या? बच्चे खेलेंगे, नहीं खेलेंगे क्या? तो यहां पे ध्यान दें, ये विल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी थी, इसमें भी है, अक्सर कर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती मोस्टली, यदि वो अफर्मेटिव है तो, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, तो ध्यान देखेंगे यहाँ पे, हम कभी भी विल को एक विलेंट नहीं लिखते हैं, विल को कभी विलेंट नहीं लिखा जाता है, हम विल की जो शॉर्ट में नेगेटिव फॉर्म जो होती है वो होती है वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन कॉमा टी, पहले यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए। अब यहाँ पे चिल्ड्रन की बात चल रही है तो हम पीछे चिल्ड्रन ही लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर से प्लूरल है, प्लूरल के कारण चिल्ड्रन को दे में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड देन सेवन, दे आर बाइंग बुक्स, प्रेजेंट कंटिन्यूड टेंस है आपका, तो दे आर बाइंग बुक्स, वे किताबें खरीद रहे हैं, वे किताबें खरीद रहे, नहीं खरीद रहे क्या? इसे भी हम नेगेटिव में बनाएंगे, तो दे आर बाइंग बुक्स, तो इसमें क्या होगा, आरंट दे, आरंट दे, तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। एंड देन एट्थ वन, शीला हैज संग अ सॉन्ग, शीला ने एक गीत गाया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है आपका, तो यहाँ पे हैजेंट, हैजेंट, शीला नहीं शी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। योर नेक्स्ट नाइन्थ वन, माई फ्रेंड कैन रीड इंग्लिश, मेरा दोस्त इंग्लिश पढ़ सकता है, मेरा दोस्त इंग्लिश पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता क्या? ये आपका अफर्मेटिव है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव निकलेगा, तो ध्यान रखेंगे आप भूलेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन टैग बनाने से पहले कॉमा जरूर लगाना है, अदरवाइज गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर माई फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए कैन, कैन को हम क्या करेंगे, कांट, कांट में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे माई फ्रेंड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो आप चाहे ही लगाइए चाहे शी लगाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, कांट ही, कांट शी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, ही कांट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है, बोल सकता है क्या?
तो हम क्या करेंगे, कैन ही, कैन ही कॉमा लगाए पहले, कैन ही और क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें आंसर इतना ही है, इतना ही कॉमा से लेकर लास्ट तक इतना ही होता है। अगर आप पूरा सेंटेंस लिखकर, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है क्वेश्चन आपके सामने ये आया और आप आंसर देना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, कि ही कांट स्पीक इंग्लिश, फिर आप फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाएं, कॉमा कांट ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर दीजिए, कॉमा लिखकर कांट ही, कॉमा जरूर लगाएं फिर उसके बाद सीधा आंसर दीजिए, पूरा आपको सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। 11 है आपका, बॉयज आर राइटिंग आंसर्स, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसका भी आप समझ गए होंगे क्या बनेगा। यहाँ पे आरंट बॉयज कॉमा, आरंट बॉयज प्लुरल है, इसलिए हम बॉयज को किस में कन्वर्ट करेंगे, दे में, आरंट दे, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 12 नंबर है, चंद्रकांत इज लुकिंग ब्यूटीफुल, चंद्रकांत खूबसूरत दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या, चंद्रकांत खूबसूरत दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या, तो यहाँ पे चंद्रकांत हेल्पिंग वर्ब है आपकी, यहाँ पे कॉमा इज ही इन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड 13 नंबर, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो ध्यान रखें इस सेंटेंस के अंदर आप कि आई एम, ठीक है, तो ये आई एम को एमेंट नेगेटिव जब हम कन्वर्ट करेंगे तो एम को एमेंट नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है, ये एक ग्रामर का रूल है कि क्वेश्चन टैग के अंदर एम को एमेंट नहीं करते, एम को आरेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये जहाँ कहीं भी क्वेश्चन टैग में एम आएगा तो उसे एमेंट नहीं आरेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कॉमा आरंट आई एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में, आरंट आई ना कि यहाँ पे एमेंट आई कर रहे हैं, ये मिस्टेक ना कीजिएगा आप। तो इस वीडियो में इतना ही।